हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में EEE 2 को सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों का आप लास्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, यानी ये हमारा चैप्टर 1 जल्द ही कम्प्लीट होने वाला है। तो इसका हमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कि आप लोगों का मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कैसे आप लोग उसका पावर डायग्राम कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर के कोर्स को जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसकी फीस बहुत ही मिनिमल है भाई, 199 रुपीज़ फीस है, यानी 199 रुपये। ठीक है, इतने का तो आप लोगों का रिचार्ज भी नहीं होता है भाई। आप लोग एक महीने का रिचार्ज कराते होंगे, 249 रुपये का आता है, 239 रुपये का आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही एकदम मिनिमल प्राइस है भाई। आप सभी स्टूडेंट एक बार उसको कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को फुल इन्जॉय आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक सर्किट बताया था भाई, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है आप लोगों को कि हमने कंट्रोल डायग्राम को बताया था किसका, यहाँ पे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम में आप लोगों को एक चीज़ मैंने भूल गया था। यहाँ पे ये जो हमारी सर्किट है, यहाँ पे हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है, इसमें क्या यूज कर लेंगे, इसका एक सिरा यहाँ से हम जोड़ के एक टाइम डिले रिले का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे इसमें, ताकि हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक, चलिए यही एक थोड़ा सा था करेक्शन करना, आप लोग इसको कर लेंगे। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को जल्द ही मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ऐप पर भी मिल जाएगा और आप लोगों के ग्रुप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक वाला। तो ऑटोमेटिक में हमने बोला था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या करना है, सारी चीज़ें हमारा पहले पावर डायग्राम लिख दीजिए भाई, नहीं तो कोई स्टूडेंट बोलेगा ये क्या बना दिए आप लोग। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तुरंत गर्म हो जाते हैं, गर्म मतलब का कहने का मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हो, वैसे वैसे तमाम चीज़ें, उनसे दूर रहना है और अपनी जो एनर्जी है उसको बहुत ही अच्छे वे में एक अच्छे जगह पर यूटिलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर फेज हो जाएगा, वाई फेज हो जाएगा, बी फेज हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे भाई। ठीक, अब यहाँ से हमने थ्री फेज की सप्लाई ले लिया, अब ये तो सभी में करते चले आ रहे हैं भाई, ये तो सभी में करते चले आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे ले चलता हूँ, आप लोग थोड़ा रुके रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी सर्किट हमारी बन चुकी है। मेहनत लगता है भाई काफ़ी, आप लोगों के लिए परिश्रम करता हूँ, आप लोग शेयर ज़रूर करा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये तो सारी सर्किट आप लोगों को बताया है भाई, 50 बार हो चुका होगा। तो ये मेन कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हमने मेन कॉन्टैक्ट को यूज कर लिया है, यहाँ पे हम फ्यूज सेट को यूज किए हुए हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कॉन्टैक्ट है, इसको थोड़ा मेन कॉन्टैक्टर भी ध्यान रखेंगे, केवल हम इसको दिए हैं क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्टैक्टर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमारी मोटर जो है यहाँ पे थ्री फेज की इंडक्शन मोटर यूज की गई है, इसके तीन टर्मिनल को इस साइड से हमने जोड़ा है और तीन टर्मिनल इस साइड से निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको डेल्टा स्टार में दोनों में कनेक्ट करना है, जैसे कि आप लोगों ने पहले वाले डायग्राम को बनाया होगा वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी बनाना होगा आप लोगों को। यहाँ पर तीन कॉन्टैक्ट को यूज कर लेंगे, सॉरी दो कॉन्टैक्ट हमारे यूज होंगे, चलिए एक दो तीन, तीन कॉन्टैक्ट हो गए, ये हो गए तीन कॉन्टैक्ट। इसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों, K2 नाम दे दें। जी हाँ सर, दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, अब इसके भी दो टर्मिनल निकलते हैं, इसके भी निकलते हैं, इनका कनेक्शन नहीं करना है हमें। ठीक है, इनका कनेक्शन हमें नहीं करना है। सर यहाँ से भी कंडक्टर निकलते थे, निकाल लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर इन कंडक्टर को हम कहाँ पर जोड़ेंगे? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इन कंडक्टर को कहाँ जोड़ोगे आप लोग? तो चलिए दोस्तों यहाँ से लाइए आप लोग, इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जोड़ देते हैं, और इसको ला के हम कहाँ जोड़ देते हैं? यहाँ पे जोड़ देते हैं, और इस कॉन्टैक्ट को ला के हम कहाँ पे जोड़ देते हैं भाई? आर वाले कॉन्टैक्ट में। ठीक है, आर वाले टर्मिनल में हमने जोड़ दिया है। ठीक, अब यहाँ से ले चलिए सर, इसको आर वाले में जोड़िए, इस वाले कॉन्टैक्ट को आर में जोड़िए हमारी सर्किट, ताकि बर्न ना हो, यानी आप लोग कहीं से भी कहीं का कहीं कनेक्शन नहीं करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, नहीं तो हमारी सर्किट बर्न हो जाएगी, इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट जोन जो है या सेकंड वाला, ये हमारा बी वाला है। ठीक है, तो बी वाले को बी में कनेक्ट करिए,
चलिए बी वाला का बी में कनेक्ट हो गया और इसका हमारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें। तो ये पूरी सर्किट हमारी कंप्लीट हुई भाई। अब हमारी सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसको थोड़ा इस प्रकार से कर लेंगे ताकि आप लोगों का जो फिगर है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए सर, एक कॉन्टैक्ट तो जोड़ दिया, अब एक कॉन्टैक्ट और होना था हमारा, वो भी जोड़ दीजिए सर, देख लेते हैं। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। और एक चीज़ आप लोग कॉमन देख रहे हैं क्या, कि अभी हमारा जो कॉन्टैक्ट जो यूज किए जा रहे हैं सभी किस में है, ओपन कंडीशन में, यानी अभी इसको हम सप्लाई से ऑन नहीं किए हुए हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा स्टार में होता था वो किस प्रकार से होता था, ये हमारे शॉर्ट होते थे, ठीक है। तीनों सर्किट को हम क्या करते थे, ये दो तीनों कंडक्टर जो थे इनको हम शॉर्ट करते थे और इन तीनों से हम टर्मिनल को निकालते थे और तीनों का हम कनेक्शन कर देते थे, ठीक है। चलिए इस वाले कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं इस वाले से, इस वाले कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं इस वाले से, और यहाँ से इस कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं इस वाले कॉन्टैक्ट से, ठीक है। अब हमारी पूरी सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने बोला था कि इसको थोड़ा डॉटेड डॉटेड कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। दोस्तों ये किसका है, इस डेल्टा के लिए है, डेल्टा कॉन्टैक्टर लिख दें, डेल्टा कॉन्टैक्टर, ठीक, टैक्टर है भाई, ये है स्टार कॉन्टैक्टर। ये हमारा पावर डायग्राम कंप्लीट हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारा पावर डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हमें, अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि पावर डायग्राम सर आपने दोनों का सेम बनाया है। हाँ, मैं पहले से ही बोल रहा था कि दोनों का, इसके पहले वाले लेक्चर में ही हमने बोला था कि दोनों का जो पावर डायग्राम है थोड़ा सिमिलर होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं दोस्त, क्या बनाते हैं सर, कंट्रोल डायग्राम को बना लीजिए। जी हाँ, कंट्रोल डायग्राम को भी बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम की। कंट्रोल डायग्राम में आप लोगों को एक फेज लेना होता है और उस फेज से हमें जोड़ना होता है। यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, मान लीजिए हमारा स्विच हो गया, ठीक है। अब स्विच के बाद यूज करते थे आप लोग, ये हमारा स्विच हो गया। अब स्विच के बाद क्या यूज करते थे, यहाँ पे फ्यूज यूज कर लीजिए, रिवायरेबल फ्यूज होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इसके आगे हम क्या यूज कर लेते हैं भाई, OLR यूज कर लेते हैं, OLR हो गया, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किसको यूज कर लिया है, स्टार्ट पुश बटन को यूज किया है, ठीक है। अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप लोग लिखते चले जाइए। यहाँ पे हमारा K1 कॉन्टैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यूज कर लिया है K1 कॉन्टैक्ट को, ठीक। एक हमारी सर्किट तो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमने न्यूट्रल भी मिल गया हमारा, ठीक है। अब दोस्तों यार एक चीज़ और करना है आप लोगों को, कि यहाँ से हमने एक सर्किट को ले रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक यहाँ से हमने K1 कॉन्टैक्ट को लगा दिया है, ठीक है। ये K1 कॉन्टैक्ट हमारा अभी क्लोज कंडीशन में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा K1 कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे ले आइए सर, हाँ ला रहे हैं भाई, आप बोलें अब मैं ना लाऊं। यहाँ पे हमारा जो K2 कॉन्टैक्ट है, K2A लिख देते हैं, ठीक है। K2 जो है A वाले के लिए, मान लीजिए हमारा है K2A है, ठीक। अब यहाँ पे KA लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। सॉरी यहाँ पे 4 लिख देते हैं, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम ध्यान रखना है हमें, कि यहाँ से हम एक कंडक्टर को लेते हैं और इस कंडक्टर को, इसके जो सर्किट है यही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा एक दो बार बना लेंगे भाई, ठीक है। एक दो बार आप लोग बना लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक, जिनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ये वही समझ सकता है भाई जो पूरी सर्किट को डिजाइन करता है, ठीक है। इसका हमें प्रैक्टिकल करना होता है तभी आप लोगों को इसका हमें नॉलेज होना होता है। ऐसे ही नहीं कि आप ये सर्किट को बना लीजिए और समझ लीजिए, इतना सरल भी नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं एक और कॉन्टैक्ट को। अब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ही बोल ही सकते हैं, कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो गया सर। अब यहाँ पर हमने जोड़ दिया भाई K3 जो हमारा कॉन्टैक्टर था उसको जोड़ दिया, स्टार डेल्टा जो भी थे हमने उनको जोड़ दिया था, ठीक। K2C लिख देते हैं। अब देखेंगे यहाँ से एक हमारा होता है, एक कॉन्टैक्ट ऐसे बना होता है इसकी हमारे सर्किट में। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट सर्किट बन गई, मान लीजिए हमारा फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट सर्किट बन गई है दोस्तों। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग कंडीशन कैसे होता है, स्टार्ट पुश बटन क्या है, इसको प्रेस करिए और हमारी जो सर्किट है, ये हमारी सर्किट क्या होती है, ऑपरेशन करने लगती है,
ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस सर्किट को आप लोग एक बार ध्यान से बना लेंगे, और इसका मेन होता है पावर डायग्राम, सॉरी कंट्रोल डायग्राम को इसको एक दो बार बना लेंगे, ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में लिखना है या बनाना है, ठीक है। हालांकि ये हमें नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, इससे पहले वाला जो है मैनुअली वाला वही आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी पूछा जाएगा, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक जब ज़्यादा चीज़ें होने हो रही हैं तो उसको पूछा जा सकता है, मैनुअली भी पूछा जा सकता है, दोनों में आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई एक तो पूछा ही जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लेक्चर पसंद आया हो भाई तो लेक्चर को या वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और चैप्टर वन हमारा अभी एक टॉपिक और बचता है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, और हमारा यह सेशन जो है चैप्टर वन का कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों से बता रहा था, जैसा कि हमारे एक सर हैं वो अभी गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, फायर ब्रिगेड में है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, पुलिस वाली जो फायर ब्रिगेड नहीं होते हैं उसी में है, तो उनसे मैंने अभी बात किया था, हम लोगों को पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छी ड्राइंग थी उनकी, ड्राइविंग की जो क्लासेस होती थी बहुत ही अच्छा मज़ा आता था, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनकी जो क्लास है एपी होने वाली है, दो लेक्चर मैंने उनसे बोला है दो लेक्चर को बनाने के लिए, तो दो लेक्चर को जल्द ही जल्द हमें प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा वहाँ पे ऐप पे चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐप को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी मेगा पॉइंट नाम है, और इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर के कोर्स को आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर का, उसको तुरंत तुरंत सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, आपकी नोटिस भी आ चुकी है, सर एग्ज़ाम कब होना है ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, 15 से 30 जून के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम होना ही होना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप लोगों के हाथों में आप लोगों का सिलेबस जो है कंप्लीट 10 तारीख तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।